नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल माही द टेकी पर। तो आ गई है हमारे पास AQFIT ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच है। और आज देखेंगे वीडियो में क्या ये बाकी जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट वॉच है जो बस स्टैंप लगा के इंडिया जाती है उनसे अच्छी है या नहीं। पूरी अच्छे तरीके से एक्यूरेसी की टेस्टिंग, कॉलिंग फीचर की टेस्टिंग, सारे फीचर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, सब इस वीडियो में बता दिया गया है। एक बात और, ये कोई पेड प्रमोशन या कोई पेड वीडियो नहीं है। जो सच है वो सच बताया जाएगा, जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको वैसा ही बताया जाएगा विद प्रूफ के साथ इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो काफ़ी खूबसूरत सा बॉक्स है ब्लैक कलर का, और ये आप देख सकते हैं सारे फीचर्स जो इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर डिटेल देख सकते हैं भाई, नोएडा की है, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय M3S मोबिलिटी। और इसके दूसरी साइड देख सकते हैं तो बाकी के फीचर्स आप देख सकते हैं, BT कॉलिंग को हाईलाइट किया गया है और काफ़ी खूबसूरत सा बॉक्स है। इसको ओपन करते हैं तो देखिए स्ट्रैप और वॉच अलग अलग मिल रहे हैं, तो आपको स्ट्रैप लगाना पड़ेगा। और काफ़ी सॉफ्ट सा स्ट्रैप है सिलिकॉन का, और AQFIT के ब्रांडिंग है बक्कल पे। अब हम ज़रा वॉच को निकाल के फटाफट देख लेते हैं कि क्या खास बात है इस वॉच के अंदर। बाकी और बॉक्स में आपको मैनुअल मिलेगा इसका, और चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। तो चार्जिंग केबल पे भी AQFIT लिखा है, बहुत अच्छा काम किया यार, आजकल सारी चार्जिंग केबल ऐसी आ रही है तो पता चल जाएगा AQFIT की कौन सी है। और ये मैनुअल है काफ़ी डिटेल्ड में, इसके अंदर सारी चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाएगी, कैसे पेयर करना है, क्या क्या फंक्शंस हैं, उनको कैसे आपको ऑपरेट करना है। फिर सबसे बेहतरीन चीज़ जिसको देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए दोस्तों, मैं खुशी के मारे रो पड़ा, स्क्रीन प्रोटेक्टर इसमें देखने को मिला है। देखिए ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं होती है, कंपनी को ज़रूर देनी चाहिए, तो मज़ा आ गया यहाँ पे। और ये उसके बाद है कि आप एंड्रॉयड यूज़र को कैसे यूज़ करना है, iOS यूज़र को, और बैटरी बैकअप किस हिसाब से कितना कितना मिलेगा आप जब यूज़ करेंगे। तो काफ़ी क्लैरिटी रखी है कंपनी ने चीज़ों में। और वेट की बात करते तो 52 ग्राम्स इसका वेट है, जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड के बाद भी, और बड़ा डायल है तो वेट काफ़ी लाइट है। फटाफट से इसको देखते हैं तो ये ऑन कंडीशन में मिली है, मेरे ख्याल से मुझसे ही गलती से ऑन हो गई है बटन दबाते दबाते। तो आप इसके बीजल देख सकते हैं, थोड़े से बड़े बीजल हैं, मतलब आधा सेंटीमीटर थोड़े कम। स्ट्रॉन्ग जिंक मैग्नीशियम एलॉय इसकी बॉडी है। साथ में आप माइक देख सकते हैं, लाउड स्पीकर इसमें साथ में दिया। सेंसर्स के ऊपर से ये प्रोटेक्टर जरूर हटा दें ताकि आपकी एक्यूरेटली ये चीज़ें जो है हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 वगैरह सेंस कर पाएं। स्ट्रैप काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट सिलिकॉन का स्ट्रैप है, और इतनी ही मजबूत बिल्ड क्वालिटी है वॉच की। 1.33 इंच का HD IPS डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है 240x240 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ में। अब ज़रा पब्लिक डिमांड पर मैं पहन के दिखा देता हूँ कि कितनी अच्छी लुक आती है इस वॉच की। तो वाकई में ही जो ब्लैक कलर है काफ़ी जच रहा है, काफ़ी अच्छी लुक सारी है, ग्लास देख सकते हैं, बॉडी देख सकते हैं। रेजिस्ट टू वेकअप की बात करते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी को कंपनी ने कम रखा है, क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है जिसमें बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम होती है, तो इसलिए ये इतना जल्दी सेंसिटिव नहीं है कि आप हल्का सा हाथ हिलाएंगे और वो ट्राई में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा काम किया है बैटरी सेविंग पर्पज़ से। फिर आपको पेयर करना बताता हूँ दोस्तों, आपको DAFIT ऐप डाउनलोड करें, DAFIT मतलब, और जैसे आप W9 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए पेयर हो जाती है। बस मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है पेयर करने में, काफ़ी आसानी से सर्च कर लिया। आप कॉल्स वगैरह कॉन्टैक्ट्स का इसको एक्सेस दे दीजिएगा। आपको फिर वॉच के मेन्यू के दर्शन करा तो ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं तो थिएटर मोड, ब्राइटनेस, वेदर अपडेट और सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। और वेदर अपडेट आप देख सकते हैं, जैसे वो शॉर्टकट है उसको दबाते हैं आपको वेदर अपडेट देखने को मिल जाएगा, लाइव अपडेट होता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। फिर आप ऊपर जाते हैं तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, राइट जाते हैं तो आपकी एक्टिविटी ट्रैकर, स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, वर्कआउट मोड्स, और ये जो फ़ोन का जो आप बाकी चीज़ें जो ब्लूटूथ कॉलिंग के ऑप्शन हैं, SpO2, वेदर अपडेट, यहाँ से भी आ जाता है आपका शटर मोड और म्यूजिक प्लेयर। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको होम स्क्रीन पे ही दे दिए गए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि नीचे वाले बटन से जो स्क्रीन लॉक हो जाती है, लेफ्ट में स्वाइप, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो आपका हनीकॉम मेन्यू आ जाता है, जिसमें आप बाकी सारे ऑप्शन देख सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड, ब्रीथ मोड, मतलब जितने भी आपके सारे ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे फॉर ईजी एक्सेस। उसके बाद जब आप जाते हैं सेटिंग्स के अंदर तो सेटिंग्स में आपको स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंट डाउन और ब्राइटनेस, फ़ोन का ऑप्शन, कॉल रीसेट का, शेक ऑन का, बैटरी सेवर रीसेट वगैरह सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ज़रा चेक करते हैं कि सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर करती है या नहीं करती है वॉच। तो ये हार्ट रेट मॉनिटर हमने ऑन कर दिया है, थोड़ा सा इसको टाइम लगा और काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट इसे दिखाई है, मेजर कर लिया है। और दोस्तों आपने इससे रिलेटेड मेरा वीडियो देखा ही होगा कि इसमें चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कि ये ह्यूमन बींग का क्या रिजल्ट देती है। तो अब इसका ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको हार्ट रेट का। तो जैसे कि ऑक्सीमीटर में आपको 91-92 रीडिंग नज़र आ रही है, तो अब देखते हैं वॉच कितनी रीडिंग दिखाने वाली है हमको। तो इसमें भी 90-90 आई है,
तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ऑक्सीमीटर में रीडिंग आ रही है सेम आपको वॉच के अंदर देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें कि ये नॉन लिविंग लिविंग के बीच में डिफरेंस नहीं करती तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप डाल रहे हैं तो आपको रीडिंग इसमें एक्यूरेट देखने को मिल रही है। सेम SpO2 के साथ भी है दोस्तों, तो SpO2 की रीडिंग हमको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ऑक्सीमीटर में जो रीडिंग आ रही है उसके आसपास ही आपको वॉच में नजर आ रही है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ SpO2 की रीडिंग की स्मार्ट वॉचेज में कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मेजर करने का तरीका अलग अलग होता है। जनरल एप्लीकेशन सेटिंग्स की बात करते हैं तो आप बीच वाले ऑप्शन को दबाते हैं डिवाइस को, तो आप वॉच फेसेस वगैरह सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन इनेबल करने हैं, जिस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे वो इनेबल हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा आपको सारे एक्सेस देने हैं, जैसे मैसेज दिया, फेसबुक दिया, और यहाँ पे जाके अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जब आओ ऐप खोलेंगे वहाँ पे नोटिफिकेशन पे इसको जरूर इनेबल करिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादा एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन इस दाफी टाइप में देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो हमारी डेली यूज़ की जो एप्लीकेशन है वो सब है। और ये जो अदर्स वाला ऑप्शन है, जब आप इसको ऑन कर देंगे तो धमाल मच जाएगा, मतलब आपके फोन में कुछ भी हल्की सी भी मूवमेंट होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आप यहां से फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में जाके कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स जो भी आपको ऐड करने हैं, तो इनमें से कोई भी आप 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो जो आप डायरेक्ट वॉच से एक्सेस कर पाएंगे। जैसे देखिए मैंने 2 कॉन्टैक्ट सेव कर लिए जिनको मैं रेगुलर कॉल्स करता हूँ, आप ये कर सकते हैं। फिर आप जैसे अलार्म, शटर और अदर्स में जाके सेटिंग्स में जाके अपने बाकी फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। आप ये देखिए प्रोफाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं गोल्स को, और गूगल फिट के साथ भी अपना डेटा पेयर कर सकते हैं। पेडोमीटर की एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 600 स्टेप जब मैं चला तो 545 स्टेप्स कैप्चर किए, फिर जब बढ़ा के 1000 स्टेप्स चला तो 930, तो यहाँ पे डिसेंट एक्यूरेसी देखने को मिले। फिर 500 चला तो 463, एंड अगेन एक बार लास्ट में 500 चला तो 428, तो यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलती है। डिस्टेंस यहाँ पे हम मेजर नहीं करेंगे क्योंकि वॉच में ना ही बिल्ट इन GPS है और ना ही कनेक्टेड GPS। फिर अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। बाकी कई एप्लीकेशन में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डेटा होता है, लेकिन इसमें सिंपल सोबर जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है देखने को मिलेगा। मैप्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ना ही कनेक्टेड GPS है और ना ही बिल्ट इन GPS। नोटिफिकेशन की टेस्टिंग करते हैं तो देखिए इसमें सिर्फ वाइब्रेट होगी वॉच, लाइट नहीं जलेगी बैटरी बचाने के लिए, क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, बैटरी काफ़ी कंज्यूम करती है। तो मैंने एज यूजल वही बड़ा सा मैसेज भेजा है, तो आपको दिखाता हूँ कितनी लेंथ आ जाती है। तो देखिए इतना बड़ा मैसेज है, और वॉच के अंदर जब आप देखेंगे तो वॉच के अंदर जो है फर्स्ट पॉइंट पूरा कवर कर लिया उसने और सेकंड पॉइंट भी। तो अदर वॉचेस से कंपेयर करूं, जैसे अमेज फिट का तो मुकाबला नहीं, लेकिन बाकी वॉचेस से कंपेयर करूं इस रेंज की, तो इसमें ज़्यादा लंबे नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब आइए आपको इसकी ब्लूटूथ कॉलिंग की भी टेस्टिंग करके दिखाते हैं, तो एक इनकमिंग कॉल पर इसका टेस्ट करते हैं। हेलो, यस, आवाज़ ठीक आ रही है? अच्छा, क्योंकि ये दूर है ना मुझसे इसलिए लो आ रही होगी। अच्छा, चलो ठीक है, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही है। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय बेटा। फिर मैं इसकी रेंज को टेस्टिंग करने के लिए कि भाई कितनी दूर तक कॉल रिसीव कर सकते हैं, तो लगभग मैं 15 से 20 फुट के बीच में दूरी पे गया ये रूम से बाहर, लेके मैं वॉच को लेके चला गया हूँ। फ़ोन जो है मेरा दूसरे कमरे में पड़ा है, और मैंने ये देखे सामने डॉक्टर को बोला कि भाई कॉल करो इस पर, तो देखते हैं इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब जरा आपको वॉच फेस के दर्शन कराए थे, तो इसमें मैं हैरान हो गया, और मैंने गिनने शुरू किया, 200 प्लस वॉच फेस है, 200 पे बाद मैंने गिनने बंद कर दिए। जो कैटेगरी चाहिए वो मिलेगा, शुरू में तो मुझे बड़े अजीब से मतलब फंक्शन वाले वॉच फेस देखने को मिलते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्क्रोल करता गया जो मन में कैटेगरी सोचो वैसे आपको वॉच फेस इसमें देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे यार, स्क्रोल कर करके मेरे हाथ थक गए थे। तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके अलावा इसमें कस्टमाइज वॉच फेस का सपोर्ट भी है, जो कि अपने आप में खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो देखिए मैं एक दो वॉच फेस आपको लगा के जो दिखाता हूँ। कैमरा इतना बढ़िया नहीं है, वरना ओरिजिनली काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। फिर आपको दिखा देते हैं कि हेल्थ डेटा एप्लीकेशन में कैसे शो होता है। तो जब आप देखेंगे इसमें सबसे ऊपर जो है स्टेप काउंटर आएगा, और आप इसमें प्रीवियस डे का, जैसे मैं कल चला था, तो ये आप डेटा देख सकते हैं सारे का सारा इसमें सिंक हो गया है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन में कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। फिर ये स्लीप का डेटा आता है। हार्ट रेट देखिए इसमें, जब जब मैंने मेजर किया, मैंने 24/7 इसमें ऑन नहीं किया
दिया था अभी तक। फिर SPO2 का डेटा भी है, जो भी मेरा लास्ट SPO2 था वो दिख जाएगा। और ये जो आप लोड मोड डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो मेरा वर्कआउट हिस्ट्री है सारी डिटेल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्लीप मॉनिटर जो कि इस रेंज की वॉचेज में इतना खास देखने को नहीं मिलता, उसकी एक्यूरेसी भी ज़बरदस्त है दोस्तों। एग्जैक्ट टाइम उसने कैप्चर किया सोने का उठने का। और ये जो है मोबाइल ऐप के अंदर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है वॉच ने। इसके बाद आपको रिमोट कैमरा शटर टेस्ट करके दिखाते हैं। तो आप डायरेक्ट कैमरा फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऐप में जाके इजी कैमरा ऑन करना पड़ेगा और वो ऑन करते ही आपकी वॉच में शटर का बटन आ जाएगा, आप क्लिक कर सकते हैं। अगेन इसमें भी टाइमर का ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा, ताकि आप वॉच पर क्लिक करके अपना हाथ साइड में रख सकें। तो ये टाइमर जो है मतलब अच्छी चीज़ दी, और साथ के साथ इसमें फ्लैश का भी ऑप्शन दे रखा है ऊपर कंपनी ने, जो कि अदर मोबाइल की ऐप्स में देखने को जनरली नहीं मिलता है। और क्लिक की भी पिक्चर्स आप गैलरी में जाके देख सकते हैं। फिर म्यूज़िक कंट्रोलर की टेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जब भी आप गाना चेंज करेंगे एक नोटिफिकेशन आएगा। ये इसलिए क्योंकि हमने याद होगा एप्लीकेशन में जाके अदर्स को सेलेक्ट किया था, तो जब आप अदर सेलेक्ट करते हैं आपके फ़ोन में कुछ भी हो रहा हो यार उसका नोटिफिकेशन आता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त काम कर दे यहाँ पे नोटिफिकेशन के मामले में। देखिए म्यूज़िक प्लेयर का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मुझे इसमें देखने को नहीं मिला सिर्फ। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिंक मैग्नीशियम एलॉय की बॉडी है और इतनी हैवी वेट नहीं है एलॉय बॉडी होने के बाद भी। जैसे पहले की वॉचेस 100-100 ग्राम तक हो जाती थी, ये 50-55 ग्राम के करीब ही इसका वेट है। और जो स्ट्रैप भी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, रात को डाल के सोने में इसमें कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो सबसे अच्छी बात, जो बिल्कुल ही इमोशनल मोमेंट था इस वीडियो का, वो था इसके अंदर स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलना। आई थिंक ये अब सब कंपनीज को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है, आपकी वॉच ख़राब हो जाती है आप कोई ढूंढ नहीं पाते जब तक स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो उसके बाद इसके अंदर जो ब्लूटूथ कॉलिंग का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा। मैंने आपको रेंज भी टेस्टिंग करके दिखाई थी, मैं काफ़ी दूर चला गया था, फ़ोन मेरा अंदर था, वॉच को मैं दूर लेके चला गया था और वहाँ भी क्लियर कट आवाज़ आ रही थी, सामने पार्टी को भी सुनाई दे रही थी और मुझे भी क्लियर आवाज़ आ रही थी वॉच के अंदर से। इसका लाउड स्पीकर इतना तेज़ नहीं है कि आप सोचें हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलेंगे। इनफैक्ट ये सब ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच के साथ है कि आप सोचें आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं भीड़ भड़ाके में जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको मस्त आवाज़ सुनाई देगी, ऐसा नहीं होता है। तभी अगर आप मोबाइल फ़ोन के स्पीकर भी फेल हो जाते हैं यार, तो ये जो कॉलिंग वॉच है आप इसको या तो कान पे लगा के बात करिए। तो ये आप एक्सपेक्टेशन किसी भी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच से मत रखना। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है, तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं आया, कोई लैग देखने को नहीं मिला। और फिर अगर हम बात करते हैं कि इनकमिंग कॉल का जो नोटिफिकेशन आता है, जब इनकमिंग कॉल आती है या मैसेजेस का जो नोटिफिकेशन है वो भी रियल टाइम था। और मैंने आपको बताया था जो आप ऐप्स में जाके जब अदर्स वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे नोटिफिकेशन में, तो आपकी वॉच में चाहे सॉन्ग प्ले हो रहा हो, वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मैंने तो हाथ जोड़ के उसको डिसेबल कर दिया। उसके बाद बात करते हैं 200+ वॉच फेसेस है इसके अंदर। तो यार मैं थक गया, मैं गिनता हूँ जनरली, मैं आपको बता दूँ कि जो कंपनी ने लिखा हुआ है नहीं, 200 के बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया, तो पेज चला ही जा रहा था, पता नहीं 250 है 300 है कितने हैं इसमें। फिर बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो हार्ट रेट मॉनिटर इसका चाहे इसने सरफेस वाला लिया था, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग मतलब मैंने जब वॉच को पहना तो रीडिंग परफेक्ट आ रही थी, और ऐसा मैंने कई बार ट्राई करके देखा था, सेम SPO2 के साथ भी हो रहा था। और जो इसका स्लीप ट्रैकर है वो भी हाईली एक्यूरेट है, मैं हालांकि इसको एक ही दिन डाल के सोया हूँ, लेकिन डेटा जो था सोने का और उठने का काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इसमें देखने को मिला था। फिर बात करते हैं वारंटी साइड की, तो ये कंपनी भी AQFIT भी जो है ये बिल्कुल क्वालिटी के ऊपर विश्वास रखते हैं, और इसने भी 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी है। मतलब आपके प्रोडक्ट में कुछ खराबी होती है आप कस्टमर केयर को फ़ोन करिए, वो आपको रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे वहीं के वहीं, अगर नहीं हो पाता है तो फ्री पिकअप होगा आपके घर से वॉच का और फ्री ही डिलीवर होगी, या तो वॉच ठीक होकर डिलीवर होगी, लेकिन अगर ये खोलनी पड़ जाती है इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको न्यू वॉच ही दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, जैसे पेडोमीटर की एक्यूरेसी कई बार तो काफ़ी क्लोज आई है, 20-30-40 स्टेप्स का डिफरेंस था, कई बार काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, तो वहाँ थोड़ी सी मुझे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली। फिर बात करते हैं कि इसका जो रेज रिस्क टू वेकअप वाला ऑप्शन है यार, वो डिसेबल आई थिंक नहीं हो रहा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। प्लस जो नोटिफिकेशन भी आते हैं तो उसमें लाइट नहीं जलती है, तो इसका रीज़न बेसिकली तो यही है क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉचेज बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती हैं, इसलिए जहाँ जहाँ बैटरी बचा सकते थे कंपनी ने वहाँ पर काम किया। फिर बात करते हैं कि जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट होता है म्यूज़िक कंट्रोल में वो नहीं था, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे निराशा भी हुई, क्योंकि वो होता तो यार और मज़ा आ जाता उसके अंदर। तो दोस्तों आप इसमें WhatsApp की इनकमिंग कॉल को भी डायरेक्ट इस पर बात कर सकते हैं, आंसर आई थिंक इसमें करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको फ़ोन से करना पड़ेगा, मतलब उठाना पड़ेगा, बात इससे हो जाएगी। उसके अलावा प्राइस की बात करते हैं तो 4,299 इसका प्राइस है, और आप AQFIT की वेबसाइट पर जाके 500 रुपये का कूपन कोड है AQFIT500, अगर आप वो लगाते हैं तो आपको 3,799 की पड़ जाएगी।
जो कि बहुत ज़बरदस्त डील है एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच के लिए। उसके अलावा आप एक YT200 कोड लगाते हैं EQFIT के किसी भी प्रोडक्ट पे उनकी साइट पे जाके, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें देखने को मिल जाता है। Amazon पे ये नेक्स्ट वीक तक लॉन्च होगी और Flipkart पे आई थिंक ये अभी लिस्टेड हो चुकी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। मुझे तो यार ये वॉच को लेने में अभी तक कोई दिक्कत लग नहीं रही है, सही लग रही है वॉच। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेकर। आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट या सुझाव है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।